परीक्षाएं दी है थोड़ी बहुत। पेपर लीक राजस्थान में क्यों होता है और राजस्थान में इंटरनेट बंद क्यों होता है? ये आईएएस का एग्जाम पूरे हिंदुस्तान में होता है, हर साल होता है। मैंने तो नहीं सुना कभी कोई भारत सरकार इसको इंटरनेट बंद करती होगी। राजस्थान में ही क्यों होता है कि पेपर लीक रोकने का तरीका, वो लीक क्यों हो रहा है उन कारणों में जाइए, इंटरनेट बंद करने से तो कुछ नहीं होगा। इसका मुख्य कारण यह है कि हम लोग उन अपराधियों तक नहीं पहुंच रहे, क्योंकि राजस्थान का आंतरिक मामला है, राजस्थान में पेपर छपता है, राजस्थान के लोग पेपर छपवाते हैं और राजस्थान के लोग ही उसको लीक करते हैं। तो कौन है वो लोग, आज तक हम नहीं पता लगा पाए। वो आरपीएससी से होता है और या और कोई संगठन से होता है, उनको पता लगाइए और उस नाकामी को छुपाने के लिए हम लोग ये इंटरनेट बंद करते हैं। सर, इंटरनेट के बारे में आज के इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, इंडिया टॉप्स लिस्ट ऑफ ग्लोबल इंटरनेट शट ऑफ। और अरे मेरे भाई सुन तो सही, मैं जानता हूं तू मंत्री है और हिंदुस्तान में राजस्थान टॉप इस नंबर वन, समझ गया कहां कहां से। चलिए जो भी है, ये हमारे लिए शर्म की बात है, आज के इंडियन एक्सप्रेस में है ये, एंड दिस इज अ ग्लोबल सर्वे। दुनिया में जितने इंटरनेट होते हैं 50% इंडिया में होते हैं और इंडिया में जितने होते हैं राजस्थान उसमें नंबर वन है। तो ये लिए हमारे गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है, चिंता की बात है। हमको उसका मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसका समाधान निकालना चाहिए। सर, इसका अलग कहीं दुनिया में नहीं होता। यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, युद्ध चल रहा है, उनका भी इंटरनेट चालू है, पर हमारे परीक्षा होते इंटरनेट बंद। क्या इसे साबित करना चाहते हो आप? ये लोग जो भी कर रहे हैं, मैं मानता हूं ये बहुत अच्छी बात नहीं है, इसको ढूंढ के और कोई इसका और समाधान करें। दो घंटे से बात करें सर।